आज इतवार 4 जून 2023 स्थल फॉरेस्ट की बड़ी मस्जिद के हॉल में ताज सोशल ग्रुप सोलापुर और सोलापुर जिला खादिमुल हुज्जाज हज कमेटी की तरफ से 2023 हज को जाने वाले हाजियों के लिए ट्रेनिंग कैंप रखा गया था, जिसमें 600 हाजियों ने हिस्सा लिया। इन हाजियों को हाजी उस्मान सर जमादार ने हज के अरकान हाजियों के सामने करके बताए। रईसा मैडम ने कहा कि मक्का मदीना जाने के बाद वहां क्या करना है, इसकी तफसील मालूमात देते हुए क्या कहा देखिए। हज ट्रेनिंग कैंप में हाजियों को वैक्सीन दिए गए और करेंसी डॉलर भी बैंक की तरफ से दिए गए, ताकि हाजियों को तकलीफ ना हो। किसकी सारी मालूमात दी गई इस हज ट्रेनिंग कैंप को कामयाब बनाने के लिए इन लोगों ने साथ दिया। हाजी यूनुस शेख उपाध्यक्ष खादिमुल हुज्जाज हज कमेटी, आरिफ भाई शेख माजी महापौर, तौफिक शेख संस्थापक अध्यक्ष ताज सोशल ग्रुप, सलाम भाई शेख इरफान पठान, अल्तफा शेख, रियाज शेख पत्रकार, जमील पुढ़ारी, आकिब शेख प्रोग्राम को कामयाब किया। लोक प्रधान न्यूज चैनल को अल्ताफ सिद्दीकी हाजी उस्मान सर रईस मैडम ने हज तालुके से क्या कहा देखिए। इस बातमी की जानकारी ली है हमारे पत्रकार गफूर सौदागर, इनकी रिपोर्ट। मेरे साथ में मेरे दो स्टाफ हैं, एक निजाम भाई हैं, निजाम मोगल, और दूसरे नासिर बागवान, और एक हमारे क्लेरिकल स्टाफ के क्लर्क हैं तनवीर नजाफुल। तो ये तीन लोग और मैं, इनका खादिमुल हुज्जाज के लिए सिलेक्शन हुआ है। खादिमुल हुज्जाज ये पोस्ट, ये काम ऐसा है कि आप हाजी लोग हमको डिस्ट्रीब्यूट करके दिए जाते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि सोलापुर के हाजी लोगों के साथ हम रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये पूरा कमान हज हाउस के हाथ में है, जनता के हाथ में है। तो हम केरला वाले लोगों के साथ भी रह सकते हैं, या फिर आप दुआ कीजिए हम आपके साथ रहें तो आपके साथ भी आ सकते हैं। खादिमुल हुज्जाज ये पोस्ट इसलिए है कि जितने भी हाजी लोग जाते हैं उनको जो भी दिक्कत या परेशानी आती है वो परेशानी सॉल्व करने के लिए एज अ मेडिटेटर खादिमुल हुज्जाज की पोस्ट है। 300 हाजी अगर मुझे मिलते हैं, 300 हाजी निमा अगर मुझे मिलते हैं, तो मेरा काम यह है कि स्टार्टिंग टू एयरपोर्ट, जब अपन एयरपोर्ट में जाते हैं वहाँ पर अपना इमिग्रेशन का काम, तुम्हारा लगेज, तुम्हारी बोर्डिंग, ये पूरा कराकर तुमको प्लेन में बिठाना, और वहाँ से थोड़ा सा हज के अरकान करके अपने को जेद्दा उतरना है। जेद्दा उतरने के बाद में वहाँ जो जो चीज़ आएंगी उसका एज अ गाइड, एक रास्ता दिखाने वाला रहनुमा, ये चीज़ खादिमुल हुज्जाज की है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, बहुत बड़े मकाम पर अपन जा रहे हैं, खुदा ने लाखों हजारों में से हमको लिया है, तो ये चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा कैसा होगा, हैबत नहीं खाना है। अल्लाह ने हमको उसके घर पे बुलाया है, तो अल्लाह की खुद की जिम्मेदारी है कि हर अरकान हर चीज़ अपने करा के अपने घर पर अपने को भेजना। बहुत सारे हाजी लोगों, भाइयों को और बहनों को ये दिक्कत है कि हमको कुछ आयतें नहीं आती, कुछ अरकान पता नहीं है,
कुछ सूर्य नहीं आते, कुछ चीजा मालूम नहीं है, कौन बीमारी से ज़ैफ है। एक बात ऐसी है, अल्लाह हमको बुलाया बोले तो हमारा हज मुकम्मल है। जैसा ईद का दारो मदार चांद पे रहता, वैसा हज का दारो मदार नियत पे रहता। आप सोलापुर में ये आखिरी ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है। सोलापुर से 700 हाजी इंशाल्लाह कल के फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं। आज सोशल ग्रुप और सोलापुर जिला खत्म हो जाए जज कमेटी पिछले 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेनिंग कैंप ले रहे हैं और पूरे ज़िले के लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप के लिए हाजिर होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे आरिफ भाई और तौफीक भाई, हमारे इस्लाम शेख, इनका सारी टीम जो है ना मिलकर ये हाजी लोगों की खिदमत करती है। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल करे और ये सारे इंतज़ाम को इंशाल्लाह इसका पूरा पूरा अजर व सवाब। मैं जो है ना अपनी बात करता हूँ।